जी आप सभी को नमस्कार और आप देखना शुरू कर चुका हूँ स्टेप अप। जैसर मैं हूँ विशाल गोयल और इस समय मौजूद है चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन के अंदर, सेक्टर 16 के अंदर रोज़ गार्डन। और चंडीगढ़ के टूरिज्म के अंदर एक विशेष स्थान रखता है यह रोज़ गार्डन। एक बार आप तस्वीरें देख ले, पूरा बहुत बड़ा रोज़ गार्डन है। ये रोज़ फेस्टिवल लगता है यहाँ पर प्रतिवर्ष, अभी हाल ही में इस साल भी लगा था। सैकड़ों लोग, बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे भारत से लेकर विदेशों तक के लोग यहाँ पर उस फेस्टिवल में उस दौरान हिस्सा लेते हैं। और आसपास के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। आज हम राजनीतिक विषय पर चर्चा ना कर इस विषय पर चर्चा करेंगे कि लोग यहाँ पर आए हैं, कैसा यहाँ पर आकर लग रहा है। कुछ भाई हमें मिले हैं जो कि एक ही सफ़ेद कुर्ते पजामे के अंदर अपना पंजाबी लुक के अंदर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी, कहाँ से हो आप? श्री मुक्तसर साहब। अच्छा जी, तो चंडीगढ़ आज आए हो, कैसा लग रहा है चंडीगढ़ ये रोज़ गार्डन में आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है थी। अच्छा, वातावरण मतलब दिलखश नज़ारा है। अच्छा, दिलखश नज़ारा है, दिल खुश बागो बाग हो गया दिल। आपने एक ही तरह का मतलब कि गणवेश ड्रेस डाल लिया है क्या, मतलब कि कोई विशेष के लिए आए हो या फिर ऐसे ही मन? वैसे ही शौकिया तौर पे, पंजाब दा ट्रेडिशनल ड्रेस है कि तुम बढ़िया कुर्ता पजामा। बिल्कुल है जी, ए वाला मक्सरी कुर्ता पजामा। अच्छा, ऐसे ही मतलब यदि प्रमोशन ही समझ लो, ही कर रहे हैं। अच्छा, प्रमोशन कर रहे हैं आप, इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप। हाँ जी, तो मतलब चंडीगढ़ में और क्या क्या है देखने के लायक आपका नज़दीक पड़ता है? असी तो ये अज आए हैं, देखते हैं। एक सुखना लेक है। अच्छा, एक लांटे माल है। हाँ, जहरो गार्डन है। अच्छा, तो लांटे माल वगैरह, तो उधरली साइड वी आर माल वगैरह रह जाते वधिया। ठीक ठीक, तो बाकी आज देखेंगे क्या क्या है। क्या भाई साहब, आप क्या कहोगे, क्या मतलब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दूसरी क्या करते, क्या हो मतलब आप? स्टूडेंट है, अभी घूमने के लिए यहाँ पर आए हो। ठीक है, तो पंजाब में चुनाव भी होने हैं, कुछ जानकारी है राजनीति की? इंटरेस्ट है कुछ? इंटरेस्ट नहीं है, जानकारी तो है। इंटरेस्ट नहीं, जानकारी है, मतलब रखनी पड़ती है। नहीं, आपने ऐसा नहीं है कुर्ते पे हमें पाए थे राजनीति वाले बंदे है? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा होता है वैसे कई बार, मतलब कुर्ता जमा पा रहे हैं अभी नेता नुता डालते ऐसा बना दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अपनी देसी लुक है ये, और अपना देसी बाना है हरियाणा, हम हरियाणा का हम कहते हैं देसी खाना और देसी बाना। ठीक है, ये बात। कौन सी पार्टी ठीक है, किसकी सरकार बना रहे हो यार? ये बारे तो इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, जानकारी है? हाँ, जानकारी जरूर है। हाँ, हमारे कौन है, चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है जी, आप कुछ कहोगे भाई साहब? बस बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ और कुछ बात रखना चाहोगे कुछ? मतलब नहीं, इतनी बातें नहीं है, बातें कम है, काम ज्यादा है। काम ज्यादा है, काम से फुर्सत लेकर ही आए कम है, और घूमने फिरने के लिए चंडीगढ़ बहुत बड़ा है। ठीक है, घूमने फिरने चंडीगढ़ बहुत बड़ा है, मतलब थोड़ा गर्व सोता होगा हरियाणा और पंजाब वालों की राजधानी है चंडीगढ़, एक मजा। नहीं नहीं, आप क्या लड़वाना चाहते हैं? नहीं लड़वाने, एक बात कर रहा हूँ ना भाई, एक वही पूछ रहे हो ना आप भाई, एक ही राजधानी हमारी है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात, इसी बहाने इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं, क्या आपको अलग अलग चाहिए? नहीं नहीं, हमें तो इकट्ठी में मजा बढ़िया है, हाल में मजा। तो ये चंडीगढ़ का रोज गार्डन है, हम यहाँ पर आए हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, बड़ा बढ़िया मौसम है, अच्छा नज़ारा है। कुछ औरों से बातचीत कर लेते हैं हम। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। कुछ औरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम कि क्या कुछ कहना है चुनावों को लेकर भी और अन्य बात भी। एक बार उधर का आप दिखा दो, पूरा ग्राउंड ये पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड है ये चंडीगढ़ का, और इस टाइम पानी भी है बीच में। कुछ और से बातचीत करते हैं इनसे, क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट गुना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आए हैं आप? सभी हिमाचल प्रदेश से ही हैं? हाँ जी जी, तो घूमने के लिए आए हैं चंडीगढ़ में मतलब? हाँ जी, घूमने के लिए। घूमने के लिए कैसे, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा चंडीगढ़ में, बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत बढ़िया। स्पेशल हिमाचल प्रदेश से आए हैं। हाँ जी, तो और क्या, कहाँ गए हो, क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ? कुछ नहीं, ऐसे आए हम थोड़ा अपने काम से, शॉपिंग वगैरह की। शॉपिंग वगैरह, ठीक है जी। तो वैसे हमारा मेन मकसद ये था, अभी चुनाव को लेकर हम सर्वे कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अभी 19 तारीख को अंतिम चरण के चुनाव होने हैं, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री है वहाँ से। कैसा है माहौल, कैसा है, किस पार्टी का ठीक है, क्या कुछ काम है वहाँ पे? ना कांग्रेस का ठीक चल रहा है इस बार, कांग्रेस का ठीक है। हाँ जी, शायद 3 कांग्रेस की और 1 बीजेपी की, एक बीजेपी के अनुराग ठाकुर की शायद रहने। नहीं, अनुराग ठाकुर हार रहे हैं, हार रहे हैं आपके आंकड़े के अनुसार? बिल्कुल जी। ठीक, जितवा किसको रहे हो आप? वहाँ से रामलाल ठाकुर जी को। अच्छा, और कांग्रेस से काजल जी को जी, और धनीराम शांडिल शिमला से,
मंडी की सीट शायद कांग्रेस आ जाए। मंडी से चार हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा सीट है और 68 विधानसभा सीट है, चारों की सीट की बात करी जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। युवा है हम, युवा के क्या लगता है, क्या मुद्दे रहने वाले हिमाचल के लिए? डेवलपमेंट ही है हर चीज़ का मुद्दा। अच्छा। डेवलपमेंट होना चाहिए बस हर चीज़ में जी। तो कमियाँ की चीज़ की छोड़ी हुई अभी तक, मतलब कि क्या काम विकास के रुक गए हैं अभी? नहीं, काम तो चल रहे, वैसे हो भी रहे हैं कुछ, ठीक है, बाकी चले ही हैं। प्रधानमंत्री किसे जाते हो आप? हमें तो मोदी पसंद है, बाकी देखो। अच्छा, क्या बनता है जी। और किसका जोर लग रहा है वहाँ पर? देखो जोर तो अब दोनों का ही चला हुआ, कुछ भी हो सकता है। चलो हमने एक ही विचार के नहीं मिले, अभी अलग अलग मिल गए, ये तो हो गया, कम से कम ये भी एक ही बात बोलेंगे। राम राम जी। राम राम जी। अपना क्या कहना है, मतलब कि क्या लगता है कि कौन इस बार सांसद बनाओगे आप अपने एरिया से? आपका कौन सा लोकसभा आती है वैसे? आप चंडीगढ़ से ही हो? हाँ। तो आपका तो किरण खेर जी बीजेपी की तरफ से, पवन बंसल जी कांग्रेस की तरफ से, किसे जितवा रहे हो? हम तो मोदी को ही जिताएंगे। मोदी को जितवाओगे? हाँ। किरण खेर को? हाँ। ठीक है जी। आप कहाँ से हो भाई साहब? हिमाचल से। आप भी हिमाचल से हो? हाँ। तो किसे जितवा रहे हो आप? जो डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट तो ऐसा है, कर ली ना 5 साल में, 2014 से 2019 तक कर दी, जो ना करी नहीं, ज्यादा करी है मोदी ने, करी तो 70 सालों से भी है, 5 सालों से भी है। हाँ। तो आप हाँ। किसी को कंसीडर नहीं कर सकते? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो कर दी हमने, तो निष्कर्ष लेना है कि उन्होंने सही किया या नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ। सब तो कह रहे हैं कि हमने सही करा है, वो तो हम पे बात है कि हम किसे चुनेंगे। अच्छा, वो तो हम हमारी मर्जी, हम किसी को जो हमारा अच्छा कैंडिडेट लगेगा हम इसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लोकसभा कौन सी आती है हिमाचल में? हमीरपुर। अनुराग ठाकुर कहाँ से लड़े? वहीं से लड़ रहे हैं ना, तो कैसा है उनका? वो चार बार सांसद रहे हैं शायद, चार बार, पांचवी बार अब की बार मैदान में वो। क्या है उनका, कैसा रहने वाला? तो नतीजों के बाद ही पता लगेगा। तो उनका समर्थन आपके आसपास कैसा माहौल लग रहा है उनका समर्थन में? हम ना कांग्रेस की साइड है ना बीजेपी की, न्यूटन है अपना। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम। आप कहाँ से हो? हम भी हिमाचल से हैं। हिमाचल से हो आप भी? कैसा माहौल है हिमाचल का वहाँ आपके किराए में? हाँ, माहौल सर बहुत बढ़िया है। किस पार्टी के लिए? हम कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए? हाँ। हमीरपुर से हो आप भी? हमीरपुर। सांसद किसे बना रहे हो वहाँ का? हम रामलाल ठाकुर को। रामलाल ठाकुर जी को? हाँ जी। ठीक है जी, रामलाल ठाकुर जी को सांसद बना रहे हैं ये। और कुछ हिमाचल में मेन मुद्दे, टूरिज्म का विकास हुआ है, क्या कुछ हुआ है अभी? सर अभी तो कुछ नहीं हुआ, हमारे रामलाल ठाकरे जी जाएंगे तो तभी होगा जो कुछ होगा, तभी होगा जो होगा। हाँ। ऐसे पहले कुछ कोई विकास नहीं, वैसे ऐसे ही है, अभी चल रहा है सही। हाँ। तो इसलिए आप चंडीगढ़ आए हो घूमने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो इन्होंने बताया कि ये रोज़ गार्डन के चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय थी, तो हिमाचल से भी लोग मिल गए हमें। चुनाव होने हैं अंतिम चरण के, 9वां-7वां चरण अभी 19 तारीख को चुनाव होने हैं, देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है ये सारे जिले आसपास के, चंडीगढ़ से लेकर। हाँ, आप कहाँ से थे? हाँ, हरियाणा से। हम भी हरियाणा से ही है, हमारे भी चुनाव हो गए, हमने भी वोट दिए हैं। तो आसपास के सभी जिले, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, महत्वपूर्ण अहम भूमिका रखते हैं, देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो कुछ औरों से बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे हम, इनका क्या कहना है। बाकी तो पार्क के अंदर मौजूद है ये, पूरा बढ़िया मौसम में मजा आ गया, बाकी हमें मौसम बढ़िया है और तो कुछ हो ना हो। एक बार आप दिखा दो, वो पूरा एरिया घुमा दो कैमरा। पूरा रोज़ गार्डन है, बहुत बड़ा है ये मैदान और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। चलो इसी के साथ इतना ही, आप देख रहे हैं स्टेप अप, मैं विशाल गोयल, जय हिंद जय भारत।